हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम सी चंदन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। ओके फ्रेंड, सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड अकाउंटिंग फॉर इशू शेयर कैपिटल एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल सी हाउ डू यू अकाउंट दी बाई बैक ऑफ शेयर्स। तो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट लेडिंग टू बाई बैक ऑफ शेयर कंप्रीहेंसिवली। बट फ्रेंड, रिमेंबर वन थिंग, आई विल डिस्कस अ मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस बाई बैक इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, बट आई रिक्वेस्ट टू ऑल टू रिमेनिंग थ्योरी रिलेटिंग टू दिस बाई बैक शेयर यू हैव टू covered it by your own, okay? So, without wasting the time, let's move to the lecture, okay friend? Let's see here, buyback of share, okay friend? Buyback of share. So friend, if we talk about buyback of shares, what is buyback? Why do we need to do buyback? Why company going towards the buyback of share? तो इसके लिए आप लोगों को समझना होगा कि कंपनी आखिर buyback में जाती क्यों है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि buyback of share is also the part of internal reconstruction. Internal reconstruction. When you say what is the internal reconstruction, so this internal reconstruction is nothing but it is the part of the capital restructuring. Capital restructuring. Okay, friend. So first thing you have to note that buyback is also a part of internal reconstruction, in which you will see how do you do the capital restructuring. Okay. Next, हम buyback करते क्यों हैं? देखो फ्रेंड, बायबैक करने के बहुत से रीजन होते हैं। एक रीजन इसमें यह होता है कि आपका जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है, अगर वो कंसिस्टेंटली गिरता जा रहा है, तो इस सिचुएशन में अगर आपको अपने शेयर का वैल्यू इंप्रूव करना है, शेयर होल्डर को मैक्सिमम वेल्थ अगर प्रोवाइड करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है आप लोगों का कि आप शेयर को क्या कर लो, बायबैक कर लो। क्या कर लो आप लोग दोस्तों? शेयर को बायबैक कर लो। तो एक तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, शेयर को बायबैक करना होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से रीजन होते हैं शेयर को बायबैक करने के लिए। बात आती है कि बायबैक के लिए हम सोर्स क्या क्या यूज करेंगे। तो सोर्स दोस्तों कुछ नहीं, बस फ्री रिजर्व के थ्रू आप लोग सोर्स यूज कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी को फ्रेश इशू कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो उस इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट करके आप लोग उस सोर्स जो आप कलेक्ट करोगे, उसके थ्रू आप लोग बायबैक की तरफ मूव करोगे। ओके, तो यही कुछ प्रोविजन है बायबैक से रिलेटेड, और इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, वो सब कुछ हम इसी लेक्चर में देखने जाएंगे दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, बाई बैक ऑफ शेयर मीन्स द परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर बाय द कंपनी। का मतलब क्या कि बाई बैक में कंपनी खुद के शेयर को क्या करती है, बाय करती है। इट इज काइंड ऑफ ए कॉरपोरेट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। ये किसका पार्ट होता है? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। एंड इज एन इम्परेटिव मोड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। और किसका मोड होता है? ये कैपिटल स्ट्रक्चरिंग का ही पार्ट होता है। अब आता है बायबैक इज एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जब भी आप लोग अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते हो, तो बाकी केस में अगर आप रिड्यूस करने जाते हो, तो उसके लिए आपको एनसीएलटी का और कोर्ट का अप्रूवल लेना होता है। लेकिन अगर आप बायबैक अल्टरनेटिव को चूज करके अपने कैपिटल को रिड्यूस करते हो, तो देन देयर इज नो नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ कोर्ट
और NCLT नेशनल कोर्ट कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो इसका हमें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी एक मोड है, ऑल्टरनेटिव मोड है कैपिटल रिडक्शन का, ठीक है। कंपनी कब करती है दोस्तों, व्हेन ए कंपनी हैज सब्सटेंशियल कैश रिसोर्सेस, जब कंपनी के पास कैश का रिसोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो इट मे लाइक टू बाय इट्स ओन शेयर फ्रॉम द मार्केट पर्टिकुलरली। तो कंपनी क्या चाहेगी, कंपनी ये चाहेगी कि वो मार्केट में अपने ही शेयर को बाय कर ले, लेकिन कब बाय करेगी, व्हेन द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इट्स शेयर इन द मार्केट इज मच लोअर देन द बुक वैल्यू, जब मार्केट में आपके शेयर की वैल्यू जो होगी वो बुक वैल्यू से भी लोअर हो जाएगी और कंपनी के पास सब्सटेंशियल कैश होगा, तो इट्स बेटर टू बाय इट्स ओन शेयर सो दैट योर शेयर वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली। ओके, तो इससे क्या होता है कि आपका जो शेयर प्राइस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और व्हाट द कंपनी परस्यू टू बी इट्स ट्रू वैल्यू, या फिर कंपनी अगर ये चाहती है दिखाना कि इसका ट्रू वैल्यू क्या होना चाहिए शेयर प्राइस का, इसके लिए भी कंपनी बायबैक की तरफ मूव करती है। ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्री रिजर्व, तो अगर फ्री रिजर्व की आप बात करोगे, फ्री रिजर्व को यूज करके ही तो आप लोग बायबैक करते हो, तो फ्री रिजर्व दोस्तों होता क्या है, फ्री रिजर्व होता है रिजर्व विच एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आर फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, ठीक है, एंड शैल इंक्लूड बैलेंस डिकेट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बट शैल नॉट इंक्लूड शेयर एप्लीकेशन मनी। मतलब क्या हुआ, रिजर्व जो आपको लेना है वो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के बेसिस पे लेना है, और वो रिजर्व जो कि एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सके, वो रिजर्व जो डिविडेंड एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ना हो सके उसको आप लोगों को यूज नहीं करना है। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम को भी आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन शेयर एप्लीकेशन मनी आप लोग यूज नहीं कर सकते बायबैक के लिए, और रीजन बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन मनी, अभी तक शेयर एप्लीकेशन मनी के ऊपर कंपनी का राइट एस्टेब्लिश नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो एप्लीकेशन मनी जो होता है दोस्तों उस पर कंपनी का राइट तभी एस्टेब्लिश होगा जब कंपनी शेयर को अलॉट कर देती है। जब तक कि कंपनी शेयर को अलॉट नहीं करती, कंपनी डज नॉट हैव राइट टू यूज दी एप्लीकेशन मनी, एंड व्हेन देयर इज नो राइट टू यूज दी शेयर एप्लीकेशन मनी, पर्सन विल नॉट अराइज टू यूज दिस मनी फॉर दी बायबैक। ओके, होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर एडवांटेजेस ऑफ बायबैक, बायबैक के क्या क्या एडवांटेज होंगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। देखो, टू इंप्रूव अर्निंग पर शेयर, टू इंप्रूव अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर को इंप्रूव करने के लिए। अब देखो, मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूं, यहां पे अर्निंग पर शेयर जो इंप्रूव होता है, इसका मतलब ये कभी भी मत समझना कि आपका जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है वो इंप्रूव होने जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आता, केवल ईपीएस इंप्रूव होता है, और ये तो आपको पता ही है कि ईपीएस कैसे इंप्रूव होगा, व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ शेयर इन द मार्केट देन योर ईपीएस विल बी लोअर, बट व्हेन देयर इज लोअर नंबर ऑफ शेयर इन द मार्केट योर ईपीएस विल ऑटोमेटिकली गेट इंक्रीजेस। तो देयर इज नो ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, बट इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू शो टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल, शो द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट That your EPS will be increased. Okay, let's see here.
वन एग्जाम्पल देखिए, इंप्रूवमेंट इन ईपीएस। अब आप ही देखो, खुद ही पता लगेगा आपको। देखिए प्री बाईबैक पोस्ट बाईबैक, ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट थे 100, नंबर ऑफ शेयर था 10, तो आप बताओ ईपीएस कितना आया, 10 आया। ठीक है, अब देखो यहां पे प्रॉफिट उतना ही है, लेकिन बाईबैक के बाद नंबर ऑफ शेयर कम हो गए। अब नंबर ऑफ शेयर जब कम होगा तो ओबीएस की बात है ना कि ईपीएस क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये होगा कि जब कम शेयर होल्डर होंगे तो उनको अर्निंग भी ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा शेयर होल्डर होंगे मार्केट में तो उनको अर्निंग भी कम मिलेगा। जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप, लेस पार्टनर पार्टनर मोर प्रॉफिट, मोर पार्टनर लेस प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट, टू इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल के रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, वो तो बढ़ेगा ही ना, जब कैपिटल ही जब कम हो जाएगा तो वो बढ़ना ही बढ़ना है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेटवर्थ के रिटर्न, एंड एनहेंस द लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर शेयर होल्डर, और ये शेयर होल्डर के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू इंक्रीज करता है। जब कम शेयर होल्डर होंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन मिलेगा, प्रॉफिट का पार्टिसिपेशन मिलेगा तो उनकी वैल्यू तो इंक्रीज होगी ही, है ना। फिर देखिए, टू प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयर होल्डर व्हेन शेयर आर अंडर वैल्यूएड और थिनली ट्रेडेड। अब कभी कभी क्या होता है कि शेयर अंडर वैल्यू होता है, अंडर वैल्यू मतलब अंडर वैल्यू वो परफॉर्म कर रहा होता है शेयर मार्केट में, या फिर वो थिनली ट्रेडेड है, तो इस केस में शेयर होल्डर मुसीबत में आ जाते हैं। वो रास्ता तलाशते हैं कि किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलें और अपने लॉस को मिनिमाइज करें। तो यहां पे जो शेयर होल्डर होते हैं उनको एक एडिशनल रूट मिलता है कि भैया बाईबैक में चले जाओ, और बाईबैक को एक्सेप्ट करके आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। ठीक है, आगे देखिए, इट इज एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ रिडक्शन इन कैपिटल विदाउट रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ द कोर्ट, सीएलबी, कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो यहां पे रिडक्शन कैपिटल का ऑल्टरनेटिव मोड होता है, और यहां पे हमें किसी कोर्ट या एनसीएलटी का किसी भी टाइप का परमिशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके फ्रेंड, आ रहा है समझ में? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टू एनहेंस कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी, जब आपका मैक्सिमम शेयर मार्केट में होगा तो इसका मतलब होगा देयर इज लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर। आपके कंपनी का जो स्टेक है वो डिफरेंट लोगों के पास होता है, लेकिन जब कंपनी बाईबैक में जाती है तो मैक्सिमम स्टेक जो होता है वो कंपनी के हाथ में आता है। जो न्यूमरस शेयर होल्डर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और इसके चलते आपका जो स्टेक होता है वो कंसोलिडेट होता है। ठीक है, टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड्स, जब मार्केट में कंपिटिटर आपके कंपनी की तरफ रुख करते हैं, किस तरह रुख करते हैं, जिससे कि वो आपके कंपनी में मेजर शेयर एक्वायर कर सकें, तो बाईबैक आपका एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप शेयर को बाईबैक करके मार्केट से हटा लो, जिससे कि जो शेयर होल्डर होंगे वो फिर यहां पे नहीं आ पाते। ठीक है फ्रेंड, चलिए, तो रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर, अगर आपके पास सरप्लस कैश है तो, और आपका शेयर भी कम रेट पे ट्रेड है, तो आप लोग शेयर होल्डर को इस कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बाय वे ऑफ दी बाईबैक। टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, आप लोगों को मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया था ना कि कंपनी का वैक वहीं पे बेस्ट होता है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल तभी कम होता है जब कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डिसीजन होता है वो ऑप्टिमम होता है। मतलब डेट और इक्विटी को हमें इस तरीके से बैलेंस करना होता है, डेट इक्विटी का वो लेवल जहां पे आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगा उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर ज्यादा इक्विटी शेयर होंगे तो रिस्क हाई होगा,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाईबैक करते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर मार्केट में कम होता है, रिस्क लो हो जाता है और इसके चलते आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का ऑप्टिमेलिटी अचीव हो जाता है। ओके दोस्त, टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्लगीज मार्केट कंडीशन, जब आपका मार्केट काफी स्लगीज होगा, काफी लोअर जा रहा होगा, तो उस समय आपको भी पता है कि शेयर की प्राइस जो होती है ड्रास्टिकली फॉल होती है, तो इस शेयर प्राइस को ऊपर उठाने के लिए बाईबैक में हम जाते हैं। ठीक है, टू सर्व द इक्विटी मोर इफिशियंटली, और कंपनी जनरली पता क्या करती है, बाईबैक करने के बाद उस शेयर को दोबारा से इशू कर देती है। एग्जाम्पल, इंप्रूवमेंट इन ईपीएस, ये तो मैंने आपको कराई दिया। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपने एडवांटेज जान लिया। अच्छा हाँ, देखो कुछ थ्योरी होंगी ना, वो देखो हर चीज तो मैं कवर नहीं करूंगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दोस्तों, तो यहाँ बता नहीं किएगा, कुछ थ्योरी आप लोग अपने एंड पे अपने स्टडी मटेरियल से जरूर देख लेना। हालांकि जो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो मैं जरूर यहाँ पे कवर करता जा रहा हूँ। ठीक है, फर्दर गिवन बिलो इज टेबल फॉर रेलेवेंट सेक्शन इन देयर एप्लीकेबिलिटी, तो ये कुछ नॉलेज के लिए ध्यान रखना, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, देखो अगर कंपनी आपकी अनलिस्टेड पब्लिक है और प्राइवेट कंपनी है, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, पब्लिक कंपनी दो टाइप की होती है, एक होती है लिस्टेड एक अनलिस्टेड। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी केस में और प्राइवेट कंपनी केस में जो सेक्शन अप्लीकेबल होगा कंपनी एक्ट 2013 का बाईबैक से रिलेटेड, उसका नाम होगा सेक्शन 68, 69 एंड 70, सेक्शन 68, 69 एंड 70। ओके फ्रेंड, देन रूल 17 ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 ये अप्लीकेबल होगा। ठीक है, जबकि लिस्टेड कंपनी के केस में 68, 69, 17 ये तो अप्लीकेबल होगा ही होगा, रूल 17 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 जो है वो तो अप्लीकेबल होगा ही होगा। इसके साथ साथ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बाई बैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 1998 एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बाई बैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट ये भी एप्लीकेबल। इसका मतलब रूल 17 68 69 70 तो करना ही है फॉलो, लेकिन इसके साथ साथ आपको सेबी के गाइडलाइन भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फॉर सेक्शन 68, 69, 70 ऑफ कंपनी 2013 प्रोवाइड्स फॉर बाईबैक ऑफ शेयर। तो देखो ये क्या क्या बोलता है, एक बोलता है कि परचेस कैन बी मेड आउट ऑफ, क्या है ये परचेस, ये है आपका सोर्स, क्या है सोर्स है आपका, क्या क्या सोर्स होता है देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 वन ऑफ द कंपनी 2013 ए कंपनी में परचेस इज ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आउट ऑफ, कहां से बता दो, रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, एंड द प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, या तो शेयर को आप नया शेयर इशू करते हो या फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को बेचते हो, तो याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, इशू करते हो तो यहां से आप लोग बाईबैक कर सकते हो इन सोर्स को लेकर के, क्योंकि जब आप बाईबैक करोगे तो शेयर होल्डर को पैसे देने होते हैं, है ना, और आपको तो पता है कि ये जो फ्री रिजर्व जो है ये भी तो कैश का ही पार्ट है ना, एक तरफ फ्री रिजर्व होगा दूसरी तरफ कैश शो करेगा, लेकिन 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 एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, ये जो बाईबैक होगा, जिस काइंड का शेयर आप बाईबैक करने जा रहे हो, अगर उसी काइंड का शेयर आप फ्रेश मार्केट में इशू करके बाईबैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। एग्जाम्पल के तौर पर 10 रुपए पर शेयर वाला शेयर आप बाईबैक करने जा रहे हो, तो 10 रुपए पर शेयर वाले शेयर को आप इशू करके बाईबैक नहीं कर सकते। ठीक है, आपको 20 रुपए वाला करना होगा। देखो हाउएवर नो बाईबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर और सेम काइंड ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। ठीक है ना, तो अगर पहले ही ठीक है, तो अर्लियर सेम काइंड ऑफ शेयर को बेच के आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है,
नेक्स्ट कम प्रिलिमिनरी कंडीशन फॉर बायबैक। अब ये कुछ कंडीशन है बायबैक के दोस्तों, ये कंडीशन भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68(2) फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू बाई बैक दी शेयर्स। देखो सबसे पहला कंडीशन क्या है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथराइज होना चाहिए। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज नहीं है तो कंपनी कांट गो फॉर दी बायबैक। नेक्स्ट आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में, और उस जनरल मीटिंग में आपको ऑथराइज करना होगा बायबैक को। लेकिन 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 इस केस में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा, और यहां तक कि बोर्ड भी कर सकते हैं। तो देखो यहां पे बायबैक की 10% और लेस ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी एंड फेज ऑफ द कंपनी इन सच बायबैक हैज बीन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड बाय मीन ऑफ रेजोल्यूशन पास एट इट्स मीटिंग दोस्तों। लेकिन अगर बायबैक आपका पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, मैंने आपको बताया था ना शेयर कैपिटल में केवल पेड अप इक्विटी कैपिटल ही पार्ट दिखता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में केवल पेड अप इक्विटी दिखता है शेयर कैपिटल में, जबकि बाकी जो आप देखते हो ना ऑथराइज सब्सक्राइब ये सब केवल डिस्क्लोजर के पार्ट है, ठीक है। जबकि फेस ऑफ बैलेंस शीट में केवल पेड अप शो होता है। तो यहां पे पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व उसका 10% या 10% से कम अगर आप लोग अगर बायबैक करते हो और साथ ही साथ बोर्ड ने ऑथराइज किया हुआ है बोर्ड रिजोल्यूशन में बोर्ड मीटिंग में, तो फिर यहां पे किसी भी स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती है। तो ये होते हैं कुछ केसेस जहां से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि द बायबैक इज 25% और लेस ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी कंपनी होगी जहां पे पेड अप कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व दोनों होंगे, तो आप लोग पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 25% या फिर उससे कम करोगे। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर द सेम शैल बी टेकन एज 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल ओनली। लेकिन आपकी कंपनी में केवल इक्विटी कैपिटल शेयर है तो आप लोग फिर क्या करोगे, 25% इक्विटी कैपिटल का करोगे। बायबैक के बाद पोस्ट बायबैक आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। अगर 2:1 से कम आपका डेट इक्विटी अगर जा रहा है तो याद रखना आप लोग बायबैक नहीं कर सकते। वेयर डेट इज एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट ओड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक एंड इक्विटी इज एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। देखो क्या कहता है, समझ में आया, एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट, सिक्योर्ड जैसे कि डिबेंचर, अनसिक्योर्ड जैसे कि लोन एंड एडवांसेस आपने किसी को दे रखा है ले रखा है, तो वो बाय द कंपनी जो कंपनी ने लिया है आफ्टर बायबैक एंड इक्विटी, क्या है इक्विटी, इक्विटी क्या है वो पेड अप और फ्री रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। ऑल दी शेयर अदर स्पेशल सिक्योरिटी फॉर बायबैक आर फुली पेड अप। तो जो भी शेयर आप लोग बायबैक करने जा रहे हो वो फुली पेड अप होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ शेयर आर लिस्टेड, और अगर आपका शेयर या सिक्योरिटी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो याद रखना है आपको बायबैक विल बी अकॉर्डिंग विद द रेगुलेशन मेड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन दिस बिहाफ। तो ये सेबी के गाइडलाइन और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा अगर आपका शेयर या सिक्योरिटी लिस्टेड है, ठीक है। एंड बायबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ अनलिस्टेड शेयर सिक्योरिटी इज इन अकॉर्डिंग विद शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। आपका जो बायबैक होगा अनलिस्टेड शेयर का या फिर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का, तो वो कब कैसे होगा, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन और एमसीक्यू के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो क्या कहता है, No offer of buyback shall be made within a period of 1 year from the date of closure of the preceding offer of buyback if any। तो अगर 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 आपने कोई प्रीवियस बायबैक किया है
तो जब तक कि प्रीवियस बाईबैक से एक साल का टाइम स्पेंट ना हो गया हो, प्रीवियस बाईबैक क्लोजर से एक साल का टाइम जब तक ना बीता हो, तब तक आप कोई भी नया बाईबैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो दोस्तों। आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को। ठीक है, देखो आप लोगों को लेक्चर देने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और हमारा हमारा कंसीडरेशन क्या होता है, आप लोगों का कमेंट, कैसा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, और फर्दर में जितना भी होगा इंप्रूवमेंट दोस्तों करता रहूंगा। अब देखो एक्चुअली मैं ये COVID-19 एक ऐसा दवा जीत हुई है, मैं क्लासरूम में पढ़ना था, लेकिन चलो फिर भी इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू बाय 10 टेबलेट सो डेट आई कैन टीच यू बाय रिटेन मोड। ओके, चलिए देखिए, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आपको पता है ना कि जब भी आप लोग क्या करते हो, जब बाईबैक करते हो तो बाईबैक किसका पार्ट होता है, कैपिटल रिडक्शन का पार्ट होता है ना, कैपिटल रिडक्शन का पार्ट। तो ये कंपनी के लिए एक लॉस की स्थिति होती है, तो इस लॉस को गुड करने के लिए कंपनी क्या करती है, CRR बनाती है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाती है कंपनी। ठीक है, तो देखो a sum equal to नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर सो परचेज शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट एंड डिटेल ऑफ शेयर ट्रांसफर शैल बी डिस्क्लोज इन दी बैलेंस शीट। और इसका डिटेल कंपनी क्या करेगी, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करेगी। ठीक है, बैलेंस शीट में कंपनी क्या करेगी, इसको दोस्तों डिस्क्लोज करेगी। ठीक है, अब बात आती है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन क्या, कि जो ये CRR है इसका यूज कहां कहां कर सकते हो। तो याद रखना, इस CRR को आप डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में अप्लाइड बाय द कंपनी इन पेइंग अप अन इशूड शेयर द कंपनी टू बी इशूड टू इट्स मेंबर एज फुली पेड बोनस। तो फुली पेड बोनस शेयर देने के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका प्रोहिबिशन ऑन बाईबैक इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। प्रोहिबिशन इन बाईबैक, देखो दोस्तों क्या है प्रोहिबिशन इन बाईबैक, बता दो क्या है। देखो ये कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन बाईबैक, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया, देखो नो कंपनी सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेसेस ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाईबैक नहीं कर सकती थ्रू एनी सब्सिडियरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, अपनी सब्सिडियरी कंपनी या फिर सब्सिडियरी कंपनी, किसी भी टाइप की सब्सिडियरी कंपनी के थ्रू बाईबैक नहीं किया जा सकता। अब ये सब्सिडियरी कंपनी कहां पढ़ोगे आप लोग, 21 में AS 21, थ्रू एनी इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, तो किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट कंपनी या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी से भी आप लोग नहीं कर सकते हो। ये पढ़ोगे आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, थ्रू अ डिफॉल्ट मेड बाय कंपनी इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड इधर बिफोर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इंटरेस्ट पेमेंट देयर ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर और पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू एनी शेयर होल्डर रिपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनी। ठीक है, प्रोवाइडेड इट बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड इफ द डिफॉल्ट इज रिमेडीड इन पीरियड ऑफ 3 ईयर लेस आफ्टर सच डिफॉल्ट सीज टू सबसिस्ट। ओके फ्रेंड, क्या कहता है कि अगर आपने डिफॉल्ट किया हो पब्लिक डिपॉजिट को वापस करने में, उसका इंटरेस्ट वापस करने में, डिबेंचर या प्रेफरेंस को रिडीम करने में आपने डिफॉल्ट किया हो, या डिविडेंड आपने पे नहीं किया हो शेयर होल्डर को, या टर्म लोन पे आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया हो बैंकिंग कंपनी को,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो आप लोग बाईबैक नहीं कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये डिफॉल्ट आपने सुधार दिया है और 3 साल लैप्स हो चुका है वहां से, तो फिर आप लोग बाईबैक कर सकते हो, तब बाईबैक का कोई भी प्रोहिबिशन आपके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रोहिबिशन है बाईबैक से रिलेटेड जो सेक्शन ने लगाया। देखो क्या क्या कहता है कि नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेस इट्स ओन शेयर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इन केस सच कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न। अगर कंपनी ने अपना एनुअल रिटर्न नहीं भरा तो बाईबैक नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने पेमेंट या डिक्लेरेशन नहीं किया डिविडेंड का सेक्शन 123 के अकॉर्डिंग, तो भी कंपनी बाईबैक नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया सेक्शन 127, तो भी बाईबैक नहीं कर सकती। अगर कंपनी ने ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो इस केस में भी आपको पता है कि कंपनी बाईबैक नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन थे बाईबैक से रिलेटेड थ्योरी। और अब हम लोग इस पार्ट में मूव करेंगे इसके प्रैक्टिकल पार्ट की ओर। ठीक है फ्रेंड, हालांकि देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम जो अकाउंट के टीचर होते हैं वहां पे इतना थ्योरी कोई भी कवर नहीं करता है। वो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको बस खाली प्रैक्टिकल पार्ट इसका बता दिया जाएगा, जनरल एंट्री इसकी कुछ थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, लेकिन थ्योरी से आप लोगों को अनदेखा रखा जाएगा। और आप लोग अपने एंड पे थ्योरी पढ़ते भी नहीं हो, तो इसीलिए मैंने ट्राई किया कि पहले कुछ थ्योरी आप लोगों को मैं जरूर बता दूं, जिससे कि आप लोगों को इंटरेस्ट बन जाए। और अब बाकी जो थ्योरी है ना, वो आप लोग अपने स्टडी मैट से कवर कर लेना, अब ज्यादा नहीं बचता। ठीक है, मेजर मैंने सारे थ्योरी कवर कर लिए। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ लेके चलता हूं। तो याद रखिएगा, इसका प्रैक्टिकल बहुत ही आसान है। अगर थ्योरी क्लियर है तो प्रैक्टिकल आराम से हो जाएगा। अकाउंटिंग एंट्री, देखिए अकाउंटिंग एंट्री पहले क्या करोगे, आपको पता है ना बाईबैक के लिए आपको इन्वेस्टमेंट सेल करना होता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप सेल करोगे बाईबैक करने के लिए, तो आपको पता है पैसा आएगा आपके पास बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा क्रेडिट, सिंपल। उसके बाद आप क्या करते हो, फेस इशू करते हो इक्विटी शेयर, तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा टू डिवेंचर या अदर इन्वेस्टमेंट या टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इफ एनी। तो ये कुछ आपके प्रोसीड्स हैं दोस्तों, ठीक है, बाईबैक करने के लिए। अब सिक्योरिटी, आप बोलोगे कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों, दोस्तों सोचो तो सही। अगर मान के चलो आपने डिवेंचर या शेयर आपने अगर प्रीमियम पे इशू किया है प्रोसीड्स लाने के लिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो आपको लाना पड़ेगा ना, है ना। चलिए, और बाइंग बैक ऑफ शेयर, अब एक बार जब आपके पास फंड इतना इकट्ठा हो गया, तो अब आप लोग मूव करोगे बाईबैक की तरफ। तो बाईबैक क्या करोगे, आपको भी पता है दोस्तों, इक्विटी शेयर होल्डर को आप लोग डेटर बनाओगे, तो वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पैसे किसको मिलने हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक पेमेंट विद द अमाउंट पेड, तो जब आप इसको पे करोगे तो ये एंट्री करोगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हालांकि ये जो एंट्री है ये आपकी स्टडी मटेरियल से मैंने पिक किया है, तो ये पहले ये एंट्री नहीं करनी है, सबसे पहले आपको ये कैंसिल करना पड़ेगा, ये कैंसिलेशन की एंट्री पहले होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग, पहले कैंसिलेशन की एंट्री होगी, उसके बाद आप लोग पे करोगे। तो कैंसिल क्या करोगे, कैंसिल करोगे आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बैक। लेकिन अगर आप जितना पैसा शेयर होल्डर को पे करना है उससे अगर ज्यादा पैसे अगर आप पे करते हो, तो वो कहलाएगा लॉस ऑन बाईबैक। और इस लॉस ऑन बाईबैक को आप लोग सेट अप कर सकते हो, किसके थ्रू बता दो, सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू। आपने पढ़ा था ना सिक्योरिटी प्रीमियम वाले में, उसमें कुछ 5 पर्पस थे, उसमें से बाईबैक भी एक था, और फिर जब कभी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टू इक्विटी शेयर होल्डर, यहां पे होगा विद द अमाउंट पेएबल, मान के चलो ये आ गया 120, इक्विटी शेयर कैपिटल था 100 रुपए का, तो 20 रुपीज यहां आ जाएगा। ठीक है, इन केस शेयर आर बोट एट डिस्काउंट, अगर शेयर को आपने डिस्काउंट पे बाय किया, कम पैसे पे बाय किया, तो ये आपका प्रॉफिट होगा। अब क्योंकि ये प्रॉफिट आपका कैपिटल प्रॉफिट है,
इसलिए ये जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन बाईबैक, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब क्या करोगे आप लोग, क्योंकि ये कैपिटल रिडक्शन है इसलिए आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। तो फोर, ट्रांसफर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर परचेस आउट ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, आप लोग सीआरआर बनाओगे और यूज किसका करोगे, रिजर्व का। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक, ठीक है। अगर बायबैक पे दोस्तों कुछ एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस क्या एंट्री आप मारते हो, एक्सपेंस टू बैंक करते हो, तो आप करोगे बायबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। और उसके बाद इस एक्सपेंस को आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे। फॉर ट्रांसफर बायबैक एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो ये हुआ आपका जनरल एंट्री, और अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन या आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग करके इस कॉन्सेप्ट को रैप अप करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे ही इस लेक्चर को आप लोग देखोगे, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आपके स्कैनर में होंगे उसको आप लोग गो थ्रू करोगे, ठीक है, उसको आप लोग गो थ्रू करोगे। और मुझे अगर मौका मिला तो मैं एक बार एमसीक्यू भी आप लोगों को जरूर कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, अल्लू वालिया लिमिटेड बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2019, ये आपका बैलेंस शीट है, फॉर्मेट आपने पढ़ा था ना, जो आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था। देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल आ गया आपका 10 लाख का। देखो यहां पर नोट 1 लगा रखा है, रिजर्व इन सरप्लस नोट 2 कितना, 7,05,000। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपका आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 3 4 लाख। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल आ गया आपका 60,000 का, यह आ गया टोटल 21,65,000। अब एसेट साइड देखो, नॉन करंट एसेट में आपका आ गया फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में आ गया टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स नोट नंबर 4 33। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000, करंट एसेट के अंदर 25,000, करंट एसेट में आपको इन्वेंट्री आ गया 1 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल आ गया 1 लाख का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया 4,85,000 का, तो ये टोटल आ गया 6,85,000, ये आ गया टोटल 21,65,000, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब इसका नोट्स देख लो, शेयर कैपिटल में क्या क्या है। देखो, ऑथराइज कैपिटल इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप टोटल कितना, 10 लाख। देखो 1 लाख शेयर रुपीज 10 इज फुली पेड अप, तो देखो ये 10 रुपए वाला इशू है, ठीक है ना। रिजर्व इन सरप्लस में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 लाख का, और जनरल रिजर्व है 5,05,000 का, ये टोटल आता है 7,05,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका 14% का डिवेंचर है 4 लाख। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग है, तो ये आ गया 13,30,000 का टोटल, ठीक है ना, ये बाइफरकेशन हो गया उसका। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2019 द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैव अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर एज अंडर, तो ये कुछ कंसीडरेशन है बायबैक ऑफ शेयर को लेकर। देखो, 5% ऑफ इक्विटी शेयर वुड बी बाउट बैक एट ₹15। क्या कहता है कि जो 1 लाख शेयर है उसमें से केवल 5% इक्विटी शेयर, यानी कि 1 लाख × 5% जस्ट 5,000 शेयर को हमें बायबैक करना है, कितने में, ₹15 में। अब ये देखो, शेयर का प्राइस कितने का था, ₹10 का था, और आप लोग पे कितना कर रहे हो, ₹15, तो ये हुआ आपका ₹5 का लॉस ऑन बायबैक। और ये जो ₹5 का लॉस ऑन बायबैक है, इसको आप यूज कहां से कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से और जनरल रिजर्व से। देखिए, 12% डिबेंचर टू बी इशूड फॉर ₹10,000 टू फाइनेंस फॉर दी बायबैक, बायबैक को फाइनेंस करने के लिए आपने फ्रेश शेयर इशू किया है 12% डिबेंचर, एंड बैलेंस फ्रॉम दी जनरल रिजर्व में बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पज, और बाकी आपने जनरल रिजर्व को यूज किया है बायबैक करने के लिए, ठीक है। तो
प्रीमियम पेड ऑन बायबैक ऑफ शेयर शुड बी मेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो जो भी प्रीमियम आप बायबैक पे कर रहे हो ना, देखो ये बायबैक का प्रीमियम है, लेकिन शेयर होल्डर के लिए तो प्रीमियम ही है, लेकिन आपके लिए क्या ये लॉस है, तो इसको कहां से मेड करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। इन्वेस्टमेंट वुड बी सोल्ड फॉर रुपीज 2,75,000 और इन्वेस्टमेंट हमने कितने में बेच दिया, 2,75,000 में बेचा, जबकि इन्वेस्टमेंट था कितने का बता दो, कितने का था इन्वेस्टमेंट। देखो यहां पे 1,50,000 का, तो 50,000 का यहां भी हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, तो देखो पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इमीडिएटली आफ्टर द बायबैक। तो बायबैक के बाद कंपनी का हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो देखिए अलूवालिया लिमिटेड जर्नल, अब देखो जी क्या है ना कि आपके एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू के लिए ना आपको 50 बड़े बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब पेपर है आपका एमसीक्यू और सोल्व करोगे बड़े बड़े क्वेश्चन, तो आप पेपर में बुरी तरीके से मरोगे, फेल होगे। जो स्ट्रक्चर होता है पेपर का हमें तैयारी वैसा ही करना चाहिए। तो एक बड़ा क्वेश्चन दिखाने का मेन पर्पज ये था कि आपका कॉन्सेप्ट बाइंडअप हो सके। और अब आप लोग डायरेक्टली आप क्या करोगे, अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करोगे और साथ ही साथ सोल्व कर लेना। ये बार बार मुझे भूलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पेपर देने आप लोग जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो एंट्री पास करनी है। देखिए बच्चों 2,75 का ये बिका आपका, बैंक अकाउंट डेबिट 2,75 टू इन्वेस्टमेंट 1,50,000, 1,25 क्या है आपका, ये प्रॉफिट है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट बीइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब नॉर्मल है ना ये, देखो ये तरीके से क्या है, ये तो रेवेन्यू प्रॉफिट ही तो होगा ना दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। और वैसे भी आपने फिक्स्ड एसेट 10 तो पढ़ा ही होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, उसमें क्या बोलता था कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे, उसको हम लोग पीएनएल के थ्रू रिरूट करेंगे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद आपको पता है आपने आपको शेयर होल्डर को क्या करना है, पेमेंट करना है। तो शेयर होल्डर को पेमेंट कैसे किया हमने, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक परचेस ऑफ 5,000 ओन शेयर एट 15, तो 75। आप लोगों को फिर से बता दूं, पहले ये एंट्री पास करना है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे भी करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखो कितने का था इक्विटी शेयर, 50,000 शेयर थे, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो शेयर इंटू में 10 इक्वल टू 50,000। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, देखो यहां पे शेयर होल्डर को जो आपने पे किया है, शेयर होल्डर को आपने पे किया 75, तो आपको 25 का ये क्या है बता दो, ये क्या है, ये जानते हो, ये जो है ना, ये है आपका लॉस ऑन बायबैक। ठीक है फ्रेंड, ये आपका लॉस ऑन बायबैक है, और इस लॉस ऑन बायबैक को आप लोग किससे एडजस्ट कर लोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। क्वेश्चन में साफ साफ कहा था कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करके, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करके इस लॉस को राइट ऑफ करना है। तो ये आपने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है 25,000। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब आप बोलोगे कैसे, देखो लास्ट में लिखा था ना यहाँ पे, देखो प्रीमियम पेड ऑन बायबैक कुड बी मेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। ठीक है ना, आने चलिए अगला क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे, नॉमिनल वैल्यू के बराबर आप लोग सीआरआर बनाओगे। अब बात आती है नॉमिनल वैल्यू, तो आप अगर 50,000 का कैपिटल रिडक्शन कर रहे होते तो उतने का आप लोग सीआरआर बनाते,
लेकिन मजे की बात तो ये है कि 10,000 रुपए 50,000 का होना चाहिए था, लेकिन 10,000 का तो आपने डिबेंचर इशू कर दिया। देख रहे हो आप लोग डिबेंचर, जब ये 10,000 को आप डिबेंचर नया इशू करके फाइनेंस कर रहे हो तो आपका कैपिटल रिडक्शन पूरा हुआ कहां? 10,000 तो उसका रिप्लेस कर दिया डिबेंचर ने। तो अब आप लोग केवल 40,000 का CRR बनाओगे, यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, समझ में? देखो कितना, 50,000 माइनस में 10,000 ये आपका डिवेंचर वाला, ठीक है, माइनस हो गया। और यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, 10,000 आपका डिवेंचर इशू हो गया। और इस तरीके से ये जनरल एंट्री खत्म। अब आप लोग देख लो बैलेंस शीट अपना बहुत ही आसान है। देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल पहले 10 लाख का था, पहले 10 लाख का था शेयर कैपिटल आपका, 10 लाख में से 50,000 आपने बाईबैक कर लिया तो कितना बचा, कितना बचा 950। अगर रिजर्व इन सरप्लस की आप लोग बात करोगे कि 8,05,000 कहां से आया, तो इसको आप लोग यहां देख लो नोट में। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 175, ठीक है, जनरल रिजर्व आपने यूज कर लिया 40,000 का, तो ये 4,65,000 कैसे आया? देखो 5,05,000 का था, इसमें से आप लोगों ने 40,000 का CRR बना लिया, तो CRR जब बना लोगे तो कितना बचेगा, 4,65,000। 40,000 का आपका CRR आ गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां पे हुआ था आपको बता दो, कहां पे हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस, बोलो जल्दी कहां हुआ था, इन्वेस्टमेंट को सेल करके, ये 1,25 यहां आ गया, ये आ गया टोटल 8,05,000। ठीक है, अब अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बच्चों बात करोगे तो ये 14% डिबेंचर 4 लाख का ये आपके पास पहले से था, और एक 12% डिबेंचर आपने फ्रेश इशू किया है, ये कितना हो गया 4,10,000। इसको इनकॉर्पोरेट कर लो बैलेंस शीट में। देखो नॉन करंट 4,10, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज है नहीं, तो ये उतने का उतना ही रहेगा। ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस आ गया यहां पे, फिक्स्ड एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, तो सेम टू सेम, करंट एसेट स्टॉक में कोई चेंज नहीं, डेटर में कोई फर्क नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये जरूर बदलेगा आपका, बदलेगा कि नहीं बदलेगा बोलो, बदलेगा ना, कैसे बदलेगा, दिखाता हूं मैं आप लोगों को, एक मिनट। देखो ये कितने का है, 4,85,000 का था पुराना बैलेंस आपका, ठीक है, 4,85,000 का पुराना बैलेंस था, 4,85,000 में से आप लोगों ने क्या किया, 2,75,000 आपके पास आता है और 75,000 आप पे करते हो। ठीक है, और सही है ना, चलो यहां पे मैं यहां पे देता हूं मैं, ठीक है, यहां देता हूं आप लोग इसको नोट कर लेना, 4,85,000 प्लस 2,75,000 का इनफ्लो माइनस में 75,000 का पेमेंट, कितना आएगा 6,95,000। और प्लस में यहां पे एक चीज मत भूलना, एक चीज तो आप लोग भूल ही गए, पता क्या, बता दूं प्लस में 10,000 का डिवेंचर, इसको कैसे भूल गए। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 6,95,000, तो ये 8,95,000 टोटल आ गया आपका बैलेंस शीट टैली। और ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, लेकिन इससे पहले आपको डेट इक्विटी रेशियो चेक करना होगा, और डेट में क्या था, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों। तो देखो सिक्योर्ड क्या है आपका, ये डिवेंचर 4,10,000 का, और अनसिक्योर्ड क्या है, ये 60,000। और अगर आप बात करोगे इक्विटी की, इक्विटी आपका 950 प्लस 8,05,000, ठीक है, इसको वेरीफाई कर लो।
देखो डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो चार दस प्लस साठ, नौ पचास प्लस एक पचहत्तर प्लस चार पैंसठ प्लस एक पच्चीस, 0.274:1। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो आपका 2:1 इसके अंडर है, तो इसका मतलब बाईबैक का डिसीजन जो है वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल करेक्ट है एज पर दी प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट है, का मतलब ये सही है। हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या है 950 एक पचहत्तर चार पैंसठ एक पच्चीस, तो ये आप लोग देख लो, देख लो, देखो ये है ना रिजर्व इन सरप्लस, इसमें आप लोग देखो यहाँ पर ध्यान दो, देखिए बच्चों एक पचहत्तर चार पैंसठ एक पच्चीस, ये जो है ना ये देख लो आप लोग, ये कैपिटल रिजर्व, ये नहीं लोगे डेट इक्विटी में। ठीक है, डेट इक्विटी का मतलब हो गया, इक्विटी का मतलब क्या था बताओ, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और फ्री रिजर्व में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, जनरल रिजर्व आता है और प्रॉफिट एंड लॉस आता है। और फ्री रिजर्व हम किसको बोलते हैं, जो कि डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो सके, जबकि सीआरआर कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज दी डिविडेंड। ठीक है ना, तो यहां पे आप लोगों ने फ्री रिजर्व लिया है, कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ठीक है, और इस तरीके से ये आपके प्रोविजन के अंतर्गत है। ठीक है, तो दोस्तों होप्स आप लोगों को आया हो समझ में ये बाई बैक, और इस तरीके से लेक्चर होता है कंप्लीट। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट मी। ओके, चलिए दोस्तों फिर इसी के साथ गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो जब भी देख रहा हो सबके लिए। ठीक है, तो चलिए फिर मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। आप लोगों के अच्छे हेल्थ की भगवान से प्रार्थना करता हूँ।